आत्मा माँ का रूप धारण करने की कोशिश की थी लेकिन कोई दल नहीं। नागराज की अगर बात करें अनुभव से भरपूर खिलाड़ी है और इस गेंदबाजी का जिम्मा उन्होंने संभाला है। हडलक श्रीकांत 11 कांदे वाली इस बार अच्छी गेंद यहां पर देखने मिलती हुई जरूर गेंदबाज नागराज की पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है वहां पर नेट लगा हुआ है। जब तक कि गेंद बैक साइड परिवर्तित नहीं होती है भाग के नहीं जाएगा। अंपायर की डिसीजन रहेगा तब तक कि आपको भागना है रन लेना है। इस बार मौका बना है अगर लगता तो यहां पर दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे लेकिन चलिए लक फैक्टर जरूर साथ देता हुआ अक्षय सोनी। बिल्कुल अक्षय सोनी की अगर बात करें पोष मात्र भाईंदर पाड़ा के टाइम से ही इंजर्ड है फिर भी अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करने वो आते हैं जरूर। आदित्य शेट्टी एक बड़ा नाम सामना करने के लिए तैयार। आदित्य आते ही साथ अपना जलवा बिखेरते हुए गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन ब्यूटीफुल स्ट्रोक 6 रन के साथ अकाउंट ओपन किया खाता खोला और इस 6 रन के साथ अपनी टीम का स्कोर यहां पर बढ़ाने की जरूर कोशिश की है। स्कोर जहां पहुंचा है 7 रन। स्कोर 7 रन झुंझार स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सितारों से सजी टीम मानी जाती है और इस वक्त उनकी टीम इस क्षेत्र में काफी पॉपुलर है। हाल ही में नगर सेवक चषक जीतने वाली टीम रही जिसमें जीतू और सागर इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया इनकी टीम ने। नागराज की अगली गेंद एक और बाहर गेंद जाती हुई डीप कॉर्नर बाउंड्री के बाहर 6 रन। बैक टू बैक दो गेंदों पे दो बड़े हिट आदित्य शेट्टी के बल्ले से देखने मिलते हुए। स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या कन्वर्ट हो चुकी है फेर बदल हो चुकी है। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 13 रन पर 13 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए सामना करने के लिए फिर से एक बार तैयार होंगे नागराज का। आदित्य शेट्टी हैट्रिक पर है 600 की इसी बीच ये गए और यहां पर बड़ा हिट तो लगाया है जरूर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन ओमकार पाटिल वहां पर मौजूद गेंद को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील्ड किया जहां पर मोहर लगी थी 4 रन की वहां पर उस मोहर को पोच कर 1 रन जरूर यहां पर लिख दिया और इस 1 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो दर्शाती हुई लगभग 14 रन बिना कोई विकेट गवाए। गोला खाई दे गेंदबाज आए हैं इस वक्त भी गेंदबाजी की कमान पर उम्र छोटी है लेकिन यहां पर इनके पास जो टैलेंट है गेंदबाजी का वो दर्शाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके सामने अनुभव से भरपूर एक खिलाड़ी है जिसने प्रोफेशनल क्रिकेट में बड़ी से बड़ी टीमों में परफॉर्मेंस किया डिंग डोंग जैसी टीम में भी खेल चुका आदित्य शेट्टी वो खिलाड़ी अब फेस करेंगे भीम को। भीम की अगर बात करें तो पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी का जिम्मा उनके कंधों पर दिया गया है। फील्डिंग की व्यवस्था अगर देखें 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात कर रहे हैं ये चीज ध्यान में रखिएगा यानी टोटल 6 खिलाड़ी आपका पहला मैच है इसलिए आपको ये चीज सूचित की जा रही है। नेक्स्ट जितने भी मैचेस होंगे उसमें आपको सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका ये फर्स्ट मैच है इसलिए आपको वार्न किया जा रहा है
कि आपको सर्कल के अंदर पावर प्ले के बंदर के बाद चार खिलाड़ी लगाने एक साइड की व्यू रचना अगर देखें तो बैकवर्ड्स के अलग मिड विकेट काउ कॉर्नर और लॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। उसी तरीके से एक शॉटर मिडल के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इसी बीच पहली गेंद का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया, गेंद पर किया हल्के हाथों से प्रहार, गेंद को जब तक के लॉन से आकर फील्ड किया जाता एक आसान के साथ पूरा किया। तो नहीं बल्लेबाजों अक्षय सोनी इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है। टर्फ क्रिकेट हो, बॉक्स क्रिकेट हो, ओवरऑल क्रिकेट हो, सब में अपने नाम की छाप छोड़ने वाला खिलाड़ी, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी अक्षय सोनी। इसी बीच ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर एक रन दौड़कर जरूर है यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज है। लेग पाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर। स्कोर 16 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार आदित्य जो कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 रनों पर माफ कीजिएगा 14 रनों पर। इसी बीच ये गेंद इस बार सफल हुए थे, प्रहार जरूर करना चाह रहे थे, पुल करने के प्रयास में थे जरूर, लेकिन गेंद रेंज में नहीं आई। गेंद आखिरी इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में से ज्यादा कुछ नहीं मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की जो रन संख्या है उस पर नजर डालते हैं तो 17 रन दर्शाते हुए 17 रन फिर से एक बार सच होते हुए अक्षय सोनी सामना करने के लिए तैयार। कदमों का इस्तेमाल किया था मिस टाइमिंग से गेंद हवा में और यहाँ पर देखिए जीवन दान मिलता हुआ मिड ऑन के खिलाड़ी के द्वारा। इस खिलाड़ी को आपने जीवन दान दिया है जिसने पुश मात्र भाईदर पाड़ा की ओर से उस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम की थी। इस क्षेत्र के पहले टूर्नामेंट में उनकी पारी कुछ लाजवाब रही थी, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार वो जरूर बने थे। अब देखने वाली बात यह है कि जीवन दान का कितना फायदा उठाने की कोशिश यहां पर करेंगे अक्षय सोनी। आदित्य ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, व्हाट अ हिट। बिल्कुल आदित्य की अगर बात करें लंबे चौड़े कद के हाइट पर्सनैलिटी देख लीजिए, उसके बाद उनको अगर इस तरीके की गेंद मिलती है तो वो एक ग्राउंड नहीं डेढ़ ग्राउंड पार करने की क्षमता रखने वाला बल्लेबाज आदित्य शेट्टी इस बल्लेबाजी की कमान पर हैं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। चलिए प्लीज ग्राउंड जरा ताबड़तोप बॉल की व्यवस्था की जाए। यस सर, चलिए मैच बॉल आ चुका है तो स्कोर की अगर हम बात कर रहे थे तो स्कोर ने लगाई छला और स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर बिना कोई विकेट गवाए। आदित्य फिर से एक बार टीम का सामना करने के लिए तैयार। इस बार एक और प्रहार, गेंद आउट ऑफ द बॉल। भले से उम्र में छोटे हैं लेकिन आदित्य अनुभव से भरपूर, इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड और यहां पर ओल्ड ही गोल्ड नजर आता हुआ। इस 6 रन के साथ ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति और लगभग 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन। मैं गेंदबाज आए हैं फील्ड वीरेंद्र गेंदबाजी की कमान पर हैं जिन्हें प्यार से वीरू कहा जाता है। ऑडियो मीट होल कर सामना करेंगे एक जीवन दान के साथ बल्लेबाजी करते हुए अक्षय सोनी।
बॉल ताबड़तोप भेजना है ग्राउंड के अंदर, वहां पर हमारे वॉलंटियर्स या फिर दर्शक बैठे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि इस वक्त अगर जीतू पैकर्स नौगर की अगर हम बात करें तो इनके बल्लेबाज गेंद पर अटैक करते जा रहे हैं, अटैक पे अटैक। लेकिन झुंझार स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इनका बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस क्षेत्र में। इस बीच अगली गेंद, एक और शॉकिंग गेंद थी, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, गेंद के नीचे सागर खूबसूरत कैच को पकड़ा, विकेट का हुआ है पतन और अक्षय सोनी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। तो आता हल्ली विचार करतो तुम्हारा बैट्समैन उदय, ये जोड़ी यादगार जोड़ी मानी जाती है इस क्षेत्र में, आदित्य और उदय दोनों ही हट्टे कट्टे शरीर के और पड़े हिट लगाने में माहिर। उदय की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से काफी वेट लॉस किया है इन्होंने इस सीजन में। क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ त्यागना होता है, भले से वो वजन क्यों ना हो। फिटनेस काफी अच्छी नजर आती हुई उनकी इस वक्त। इसी बीच वीरेंद्र की अगली गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, एक रन जरूर पूरा किया है जीतू, गेंद को फील्ड करने की चाहत उनके अंदर जरूर नजर आई थी, लेकिन एक रन लेने में कामयाबी बल्लेबाज के कदम चूमती हुई। स्कोर की अगर बात करें तो 37 रन स्कोर बोर्ड पर दर्शाते हुए अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी करना जरूरी। इसी बीच अगली गेंद, इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप जाकर गेंद पर प्रहार करने की चाहत जताई थी यहां पर उदय ने, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ वीरू ने अच्छा कमबैक किया है, भले से एक सिक्स क्यों ना लगा हो लेकिन उसके बाद जो वापसी की है वो बहुत ही बढ़िया। अक्षय जैसे खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। इस बार क्या बात है, मैंने पहले ही कहा था ये दोनों ही हट्टे कट्टे शरीर के बल्लेबाज, ताकत और टाइमिंग के पास अगर बात की जाए तो ये लाजवाब नमूना पेश करते हैं। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, परफेक्ट टाइमिंग, ताकत का जो कॉम्बिनेशन था वो सोने पे सुहागा रहा। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, छह रन। इस बार देखिए एक और बड़े हिट की चाहत जरूर जताई थी, लेकिन चलिए गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति और पहले बल्लेबाजी करती हुई जीतू पैकर्स नौगर की टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ जा पहुंचा है वो है 43 रन पर। आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा 43 रन, क्योंकि आज के दिन हमने देखा कोई भी टीम ये टारगेट तीन ओवर में अब तक नहीं कर पाई है। बची हुई छह गेंदें बची हैं, आज के दिन का एक हाईएस्ट स्कोर क्या बनेगा ये देखने वाली बात जरूर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी कमान संभाली है गेंदबाज ओमकार पाटिल। ओमकार पाटिल एक परफेक्ट ऑलराउंडर है जो भूमिका अपनी टीम में झुंझार स्पोर्ट्स कोचशिप में निभाते हैं और इस वक्त गेंदबाजी की कमान अपने हाथों में उन्होंने ली है। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है ये, काफी सारी इनकी ऐसी पारियां हैं जिसमें से सबसे बेहतरीन पारी इनकी एसपी टीम दादर सैंडी एसपी टीम जो काफी बड़ी टीम मानी जाती है ओमकार देसाई की, उसके अगेंस्ट जुबली ट्रॉफी में सन 2018 में जो 49 रन की पारी इनकी थी फाइनल मैच में, भले से मैच हार गए थे लेकिन 49 रन की जो पारी इन्होंने खेली थी वो यादगार रही और काफी जगह ये जाकर परफॉर्मेंस करते हैं, भले से वो गोवा हो या फिर महाराष्ट्र पुणे में, कहीं ना कहीं खेलते हैं जरूर क्रिकेट। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, पहली गेंद वो रही वाइट बॉल के रूप में और इस वाइट के साथ आगाज करने की चाहत जताई थी
गेंदबाज ओमकार पाटील अगली गेंद लेकर तैयार। फिर से एक बार ओमकार अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी इनके कांधों पर। स्कोर दर्शाता हुआ 44 रन। इस बार बड़ा हिट और ये आउट ऑफ द पार्क। सागर और वीरू दर्शक बनकर देख रहे हैं और गेंद आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। काफी लंबे लंबे हिट आज के दिन आदित्य और उदय और साथ ही साथ अक्षय सोनी के बल्ले से देखने मिले हैं। लेकिन मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये झुंझार स्पोर्ट्स की टीम है। ये कितना भी बड़ा लक्ष्य आज इनके सामने रखो वो छोटा ही नजर आता है, क्योंकि इनके पास डेंजर बैट्समैन जीतू यानी परफेक्ट मैच विनिशर जिन्हें इस क्षेत्र में माना जाता है और रैंकिंग 2 पर आते हैं यानी पहले पर पीते जोशी इस सीजन में रहे, उसके बाद नंबर 2 पर जिसे परफेक्ट मैच फिनिशर कहा जाता है, झुंझार स्पोर्ट्स का बहुबली जिसे कहा जाता है वो है जीतू। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो लैंड हुआ है नॉनस्टैक हैंड पर हुआ है और इतनी बुरी तरीके से लैंड हुआ है कि उसने दुर्घटना जरूर कर दी है। स्टंप भी टूट गया है। भाव्या प्लीज एक स्टंप लेके आना, दौड़ के जाइए प्लीज। सर ऐसा प्लीज एक स्टंप से मैच को ऑन रखे। सर एक स्टंप से मैच को ऑन रखे प्लीज। कोई गरज नहीं मैं ना आ जाओ। आधा रुपए का रहा था ना तो चालो करा पैसे भी अरे पर जा ना क्या जावाचा है वहीं का फोन आले जा ना। इस बीच अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, ललचाती हुई गेंद थी, प्रहार करने की जरूर कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद इस वक्त परिवर्तित होती हुई टॉप के रूप में। अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर ओमकार ने। ओमकार की अगली गेंद, इस बार दूसरे के दौड़ लगती है और याद है कि सुसाइड आत्म महत्या के रूप में विकेट का बदन होता है। चलिए न्यू बैट्समैन थोड़ा दौड़ते हुए जाना है ग्राउंड के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आज के दिन है। चलिए दो गेंदों के बाद स्टंप को लगाना है। दो गेंदें बाकी हैं इनिंग की समाप्ति के बाद फिर गणेश गणेश आए हैं जर्सी नंबर 10। अरे माजी में वाट नहीं तो माणसाने आवडली चिकूटपण नाही कर अच्छी गेंदबाजी। 1-6 लगने के बाद उन्होंने काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर जरूर किया है। स्कोर है 52 रनों पर। इस बार पहले बल्ले से खेलने की चाहत। यस सर डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। डिक्लेयर जोन में अगर गेंद जाती है तो बैट्समैन चॉइस है, वो अगर चाहे तो अपने पास स्ट्राइक रख सकते हैं या फिर बैट्समैन नॉन स्टैक हैंड के बैट्समैन को भी मौका दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से अदिति ने स्ट्राइक अपने हाथ में ली है क्योंकि गेंद बची है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक गेंद आना बाकी है और अंतिम और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे इस वक्त आदित्य शेट्टी, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी। इस बार आदित्य ऑन फायर, गेंद
जाती हुई डीप लॉन बाउंड्री के बाहर, वो भी देर ग्राउंड पार। स्कोर है 59 रन, टारगेट है 60 रनों का। 60 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए झुंझार स्पोर्ट्स कोचिंग की टीम। तो बिल्कुल जो दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उन्होंने जरूर बताना चाहते हैं ये टीम